मैम क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस के घर से इतने महीनों बाद बाहर आकर अपनी फैमिली से मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ वक्त बिताने का आपको जरिया मिल रहा है और बहुत पीसफुल और क्वाइट और अच्छा शांतपन और कोई टेंशन नहीं है कि अरे अभी कुछ वोटिंग होगी, नॉमिनेशन होगा, कोई स्ट्रेस नहीं, वही नहीं। बिग बॉस का जर्नी आपको कैसा लगा? मेरे लिए काफी रोलर कोस्टर और चैलेंजिंग था। मुझे लगता है घर में बाकियों के लिए इतना चैलेंजिंग और डिफिकल्ट नहीं था जितना मेरे लिए था, तो बट आई वांटेड दिस एक्सपोजर इन लाइफ एंड इट्स ऑल गुड। तो जो डिसीजन था फैंस का, पब्लिक का डिसीजन था, आप उससे कितना सेटिस्फाई? क्योंकि देखा जाए तो अभिषेक स्टार्टिंग से था लेकिन एल्विश का वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ था, तो आप उससे कितने सेटिस्फाई? तो मुझे लगता है एल्विश की पर्सनैलिटी शुरू से बहुत ही स्ट्रांग थी और वो इंसान भी बहुत अच्छा था। उसने अपने आप को प्रोजेक्ट भी इन द राइट वे किया और ऑडियंस का काफ़ी प्यार भी मिला है, तो जो भी डिसीजन है वो जनता का है और वो सही है। तो आपको मतलब आपका सबसे अच्छा बॉन्डिंग किसके साथ रहा अगर बात करें तो कंटेस्टेंट? मेरी आउटस्टैंडिंग बॉन्डिंग थी पूजा मैम और फैज़ सर के साथ, और वो ऐसी अटूट बॉन्डिंग है जो जिंदगी भर रही है। अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो और अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी तो कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ चीज़ें आई एम जस्ट होपिंग, तो लेट्स सी, अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक कंफर्म ना हो या मेरी तरफ से भी अप्रूवल ना हो। तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि आप सबके प्यार की वजह से और आप सबने मुझ में इतना विश्वास रखा इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं चाहूंगी कि अगर मैं इतना आगे आ पाई हूँ, आप वहाँ मौजूद हर इंसान जो अपने आप में बिलीव करता है वो भी आगे।